हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बथुए के पराठे। आज हम बथुए के तीन तरह के पराठे बनाएंगे, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम बनाएंगे बथुए के तीन तरह के पराठे। एक स्टफ, और ये मैंने बथुआ पीस के बनाया है, और इसको चॉप करके। अगर आपको कोई भी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो बथुआ का पराठा बनाएंगे आज हम तीन तरीके के बथुए के पराठे बनाएंगे। इसके लिए मैंने बथुआ लिया है, ये नॉर्मल देसी बथुआ है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के और साफ कर लिया है। इसमें से मैंने कुछ बथुए कट कर लिए हैं। और क्या क्या चीजें चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए बथुए को कट कर लिया है, ऐसे फाइनली चॉप कर लिया है। आटा है, अदरक, हरी मिर्च, हींग, प्याज और नमक, हल्दी, जीरा, अजवाइन, ये इसी से हम सारे पराठे बनाएंगे। तो चलिए पहले पराठे के लिए हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये बथुआ थोड़ा सा बथुआ ऐड करेंगे। ये बथुआ हमने ले लिया, इसमें थोड़ी सी हम अदरक डालेंगे और थोड़ी सी चिली भी ऐड करेंगे। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना देंगे। तो चलिए इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं, फिर बताते हैं अगला प्रोसीजर क्या होगा। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, अजवाइन और जीरा हमारा हो जाएगा फिर इसमें हम थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग डाल देंगे, थोड़ी सी चिली डालेंगे, इसमें आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, और थोड़ा सा ये हम अदरक कटा हुआ डाल देंगे। ये हमारा अच्छे तरीके से सॉटे हो जाएगा। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया डालेंगे। इसके बाद ये बथुआ जो हमने लिया है कट किया चॉप, इसमें से हाफ बथुआ मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। और इसका एक हम स्टफिंग तैयार करेंगे, इसमें कुछ सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसकी एक हम स्टफिंग तैयार करेंगे, ये अच्छी तरीके से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा, ये सूख जाएगा, फिर इसको हम स्टफ पराठा बनाएंगे बथुए का। इसको आप ढक दीजिए और ढक के इसको 2 से 3 मिनट कुक होने दीजिए। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो इसको हल्का सा और भून लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो अच्छे से भी पराठे स्टफ नहीं होंगे। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, इसमें जितना भी पानी है वो सब सूख जाए, फिर स्टफिंग को हम एक बाउल में निकाल के फिर आगे बताते हैं हम कैसे पराठे बनाएंगे। आ रहा है, अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, फिर और ये जो इसमें से हमने हाफ बथुआ बचा के रखा था इसी में अब चीजें हम ऐड करेंगे। इसमें अब हम डाल देते हैं ये कटी हुई प्याज, ये डाल देंगे। इसमें हम ये बारीक कटी हुई थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, और ये जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी है ये भी थोड़ा इसमें लेंगे हम। इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा हींग। तो इसमें हम जो आटा है इसमें से हम थोड़ा आटा डालेंगे, पहले बिना पानी डाले हम इसको मिला लेते हैं, फिर इसका एक डो बनाएंगे हम। अब इसमें हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो बना लेते हैं, जैसे पराठे का डो बनाते हैं
चलिए मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ दूसरा आटा मैं कैसे लगाऊंगी। ये हमारा डो बन के तैयार है, इसको अब हम एक प्लेट में साइड में रख देंगे। अब इसी बर्तन में अब हमने ये जो पालक का पेस्ट सॉरी बथुए का पेस्ट बनाया था इसको ऐड करेंगे। इसमें फिर यही हम चिली डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ी क्योंकि हमने डाली है पहले इसलिए थोड़ा सा ही डालें, अगर आप कम खाते हैं तो इसको मत डालिए, थोड़ा सा हींग जाएगा इसमें। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा अजवाइन, सॉल्ट जाएगा और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें हम आटा डाल के इसका एक डो बना लेंगे, इसमें जितना आटा जाता है उतना डाल के हम एक कप डो बना लेंगे। इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बथुआ पीसने के बाद काफी ज्यादा गीला हो गया है देखिए, और आटा इसी से लग जाएगा। अब इसका हम एक स्मूथ डो बना लेते हैं, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि हम पराठे कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारा आटा लग गया है, अब इसको भी साइड में रख देते हैं और ये जो बचा हुआ आटा है इससे हम प्लेन नॉर्मल जैसे पराठे का आटा लगाते हैं ऐसे आटा लगा लेंगे। अब इसको हम लगा लेते हैं, इससे हम प्लेन आटा ऐसे लगा लेंगे सॉफ्ट, क्योंकि हमको स्टफ करना है इसलिए बहुत हार्ड नहीं तो बनाएंगे इसका। ये हमने देखिए सिंपल आटा गूंथ लिया है, अब चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये देखिए जो हमने बथुए को पीस के लिया था उसका पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक लोई तोड़ ली है, अब इसको हम ऐसे पहले इसका एक जैसे हम रोटियां बनाते हैं ऐसे इसको बेल लेंगे, थोड़ा बड़ा सा बेल लेंगे। फिर इसमें हम ये ऑयल लगाएंगे, आप इसको घी में भी बना सकते हैं लेकिन बथुए का पराठा ऑयल में ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इधर से फोल्ड कर लेंगे हाफ, फिर इस पे ऑयल लगाएंगे, फिर इसको इधर से भी फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके फिर इसको हम आटे में लगा के इसका हम पराठा बनाएंगे, इसका हम चौकोर पराठा बनाएंगे। आप थिकनेस देख लीजिए जितना आपको रखनी हो, वैसे पराठा बहुत मोटा तो अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल साइज इतना थिकनेस आप रखिए पराठे की तो पराठा अच्छा लगता है। इसको हम पराठा तैयार है, यहाँ मैंने गैस पे एक तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इस पे थोड़ा सा हम ये तेल लगाएंगे जिससे पराठा चिपके ना, और अब ये पराठा डाल देंगे इसको बहुत मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, तेज आंच पे नहीं पकाएंगे। एक तरफ से थोड़ा सा जब इस पे चित्तियां आ जाएंगी तो इसको पलट देंगे हम। अब इस पराठे को हम इधर से पलट देंगे, पीछे से भी थोड़ी चित्तियां पड़ जाएंगी, फिर इस पे हम ऑयल लगाएंगे। अब इसको धीरे धीरे पकने देते हैं, तब तक मैं था बना लेती हूँ। यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी बना के रेडी कर लिया है, अब चलिए देखते हैं उसमें। इसमें इधर से भी थोड़ी चित्तियां लग पड़ गई हैं, अब इस पे हम तेल लगा देते हैं और दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक इसको सेकेंगे। आप जैसा पराठा पसंद करते हो, सॉफ्ट पसंद करते हो तो आप सॉफ्ट बनाइए, लेकिन क्रिस्प बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगता है। चलिए इसको अच्छी तरीके से सेक लेते हैं हम। ये पराठा हमारा तैयार हो गया है, अब चलिए इसको निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा फिर सेक लेते हैं। जितना पराठा है इसी तरीके से हम सेक लेंगे। अब हम ये दूसरा पराठा बनाएंगे जो हमने बथुए को काट के आटे में गूंदा था। अब इसके लिए भी हम एक डो तोड़ेंगे, एक लोई तोड़ लेते हैं डो से, और ये हम एकदम गोल पराठा बनाएंगे। अब हम ऐसे पहले ऐसे गोल पराठा बना लेंगे जैसे रोटियां हम बनाते हैं, ये चिपक गया कोई नहीं। और फिर इसमें हम बीच में ऑयल लगाएंगे, फिर इसको
इससे पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी भी। अब इसको चलिए हम गोल ही बेल लेते हैं। अब चलिए इसको हम सेक लेते हैं, इसको तवे पे डालते हैं और इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे। क्रिस्प होने तक दोनों तरफ से पराठा सेक लेंगे, फिर नेक्स्ट पराठा बनाते हैं हम। अब ये हमने जो प्लेन आटा गूंथा था इसको लेंगे, इससे एक लोई तोड़ के फिर इसको जैसे हम कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं आलू का या मटर का उस टाइप से इसकी स्टफिंग करेंगे। इसको बीच में डाल के अच्छे तरीके से आप फिल कर दीजिए जितना आप बेल सकते हो। इसको थोड़ा सा आटा लगाकर पहले हम इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे नहीं तो पराठे फट सकते हैं। पहले साइड से थोड़ा इसको प्रेस करके फैला लीजिए, फिर इसका पराठा हम बनाएंगे। इससे क्या होगा, पराठा हमारा फटेगा नहीं। ये पराठा डाल के अब इसको भी हम सेक लेंगे, तो दो तरफ से और लगा के अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये पराठा हमारा बन जाएगा, तो हमारे तीनों पराठे रेडी हैं। फिर चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं हम। तो देखिए हमारे तैयार हो गए बथुए के तीन तरह के पराठे। ये जो हमने चॉप करके बनाया था बथुआ आटे में गूंथ के, और इसको जो मैंने पीस के बनाया था, और ये स्टफ पराठा। देखिए कितना देखने में टेस्टी लग रहा है और अच्छा भी है, हेल्दी तो है ही, आप सबको पता है। तो अगर आपको हमारे बथुए के पराठे की रेसिपी कोई सी भी पसंद आएगी तो एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इस पराठे को आप चटनी के साथ, आलू टमाटर की सब्जी के साथ, दही और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।